अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी खैरियत से हूँ। और जी, नया दिन है, नया ब्लॉग है, आप सब लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जी सर्दियों की सुबह, आपको पता है बहुत शदीद किस्म की ठंड हुई हुई भी थी, और उठते ही होता है कि गर्म पानी मिले, तो मैं गीज़र को फुल करने आई थी। वैसे ये चलता रहता है लेकिन पायलट पे चलता है, फुल नहीं चलाते क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस जो है ज़ाया होती है, तो इतना ज़रूरत नहीं होता। तो सुबह उठते ही इसको मैं चला देती हूँ, जब तक नाश्ता करना होता है और बर्तन वगैरह धोने होते हैं तो वो उतनी देर तक गर्म हो जाता है, क्योंकि इसका बंडल बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो अच्छी तरह गर्म हो जाता है। यहाँ पे जी साग रखा हुआ था, बल्कि कल शाम का ही लेकर आए थे, उसको बनाकर धोकर रख दिया था और अब सुबह उठ के फिर रख दिया था, क्योंकि ये हमने घोटवा साग जो होता है वो वाला बनाएंगे। और साग का देगचा मैंने उतार दिया था और मैं इनका बाद में रख दूँगी, पहले नाश्ता बना लेती हूँ। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ अंडा पराठा, अंडा नहीं सॉरी, कल मैंने बनाया था मेथी आलू और वो साथ थोड़ा सा लूँगी, और पराठा जो है हाफ हाफ हम खाएंगे, आधा मैं खाती हूँ, आधे बाजी को देती हूँ, साथ चाय आधी आधी करेंगे। और आज जो है शदीद किस्म की ठंड होगी, तो मैंने कहा आज आपके साथ विंटर रूटीन शेयर करते हैं, कि सर्दियों में सारा दिन ऐसे गहरा गहरा सा होता है और धूप नहीं निकलती। दो तीन दिनों के हमारे यहाँ धूप बिल्कुल नहीं निकल रही, मतलब कि बादलों की वजह से मौसम जो है गहरा गहरा ऐसे लगता है। रात हुई है तो ये दिन का टाइम है, सुबह का टाइम है तो आप देखें ऐसे लग रहा है जैसे शाम हुई हुई है, ये सुबह का ही टाइम है। तो यहाँ पे जी नाश्ता कर लिया था, सफाइयाँ मैंने कर ली थी और साग भी साथ साथ समेटा गया था। और यहाँ पे जी ये मैं बना रही हूँ आज आलू और मेथी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था तो क्या बनाऊँ। वो वाला क्लिप जो है वो कल का है और ये वाला जो है परसों का है, और मैंने मिक्स कर दिया क्योंकि कोई ख़ास कल से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, ठंड इतनी थी दिल लेने ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे गोभी मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं इनका साथ उसके पकौड़े बनाती हूँ बैंगन के और गोभी के, और मिक्स जो होते हैं वो वाले। तो गोभी को हल्का सा मैंने नमक और मिर्च डाल के लाइट सा उबाल लिया था ताकि उसका कच्चापन ना रहे। तो पहले मैंने कहा जी ये मसाला भून के मेथी और आलू डाल दूँ। मेथी को मैंने उबाल के कल का ही रखा हुआ था कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए, और मेथी उबाल लो तो इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं होती। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसे नहीं बनाती थी, पहले नमक लगा के रख देते थे तो नमक का उसका पानी निचोड़ के तो फिर बनाते थे। अब मैं ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, इसको थोड़ा सा उबाल लें तो इसकी बिल्कुल कड़वाहट जो है ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे साथ साथ मेरे मेथी आलू बन रहे हैं और मैंने अबका के साथ ही रोटी भी बना लेती हूँ, उसके बाद भी मैंने पकोड़े बनाने हैं। आपको पता है विंटर में पकोड़े ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये था कि मेरे पास बैंगन भी पड़े हुए थे, जब मैंने एक बैंगन काटा तो देखा वो बहुत ज़बरदस्त कच्चा बैंगन, बीज ही उसके बिल्कुल पके हुए नहीं थे, और तीन थे मेरे पास छोटे छोटे, तो मैंने कहा चले बना लेती हूँ, साथ भाभी को भी दे देती हूँ। पकौड़ों का सीज़न है और हमारे यहाँ बारिश का भी मौसम है, और यहाँ पे जी पहले मैंने गोभी के डाल लिए थे, बैटर लगा कर इसको फिल कर लिया था, अब बैंगन के बनाऊँगी, फिर उसके बाद में प्याज के भी थोड़े से बनाऊंगी, आलू के नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास आलू नहीं थे, आलू के जो थे मैंने सब्जी में डाल दिए, यानी कि मेथी आलू में डाल दिए, और रोटी बना के मैंने रख ली थी और मैं पकोड़े बना रही थी। खैर पकोड़े मेरे काफ़ी सारे बन गए थे, थोड़े थोड़े करते हुए तीन वैरायटीज़ में, और वो काफ़ी बन गए, तो खैर सारे शौक से खाए गए, सालन कम खाया गया। ये है जी मेरे मेथी आलू भी साथ साथ पक रहे, दम पे मैंने रखा हुआ है,
और साथ साथ पकोड़े बने हैं। और बस शाम इसी तरह गुजर जाती है, एकदम से मगरिब हो जाती है और कुछ पकोड़े ही हैं। अब मैं भाभी का बर्तन लेकर आई हूँ, मैंने कहा उन्हें निहाल के तो दिए आऊँ, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब चलाऊंगी बाइक की लाइट, और अभी खैर असर हुई भी है तो असर की नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आई थी। लाइट मैंने कहा जला दूँ और फिर काम करती हूँ, बहुत अंधेरा सा हुआ हुआ है। सूरज तो खैर कितने दिन से हमारी तरफ नहीं निकल रहा। तो ये देखें सी पकोड़े, और किस किस का दिल कर रहा है खाने को। अब मैं देने जा रही थी भाभी को पकोड़े, और मैं इनका उनको चिखा के आती हूँ गरम गरम पकोड़ा। और वैसे ये होता है कि दूसरे के हाथ का बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया था। खैर मैं पकोड़े दे आई थी, आके खाना शाना भी खा लिया था। आज सोने पे सुहागा ये हो गया कि फ़र्क आज समोसे भी ले आए, और मैंने उन्हें बोला कि मुझसे पूछ तो लेते। आज मैंने मतलब के पकोड़े भी बनाए, वही एक चीज़ होगी, तो कहते मुझे क्या पता था, तो वो ले आए तो बहुत मज़े के पकोड़े थे। और जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। जो नए हैं उन सबका शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और समोसे इंजॉय करते हैं, और आज यही कुछ लगा रहा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।